दोस्तों आज हमारे साथ है क्रिकेट की आन बान शान, ओपनरों के भगवान, मुल्तान के सुल्तान, जिनसे पूरा पाकिस्तान खाता है खौफ। नाम है वीरेंद्र सहवाग। हो गया है? पाकिस्तानी नहीं, तू भी खौफ खा रहा है मेरा लग रहा है। ओके, टेक टू। वेलकम पाजी। थैंक यू। इंट्रो कैसा लगा? बहुत गजब का। चलिए तो बेसिकली पाजी देखो, हर किसी की फैमिली में ना कोई एक होता है जिसका एक सपना रहता है कि यार मैं इंडिया के लिए खेलूं, वो नहीं खेल पाता। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पीछे सक्सेस होने के स्टार्टिंग से लेके इंटरनेशनल लेवल तक जाने में किसने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मिलती है वो घर वालों से मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ जो है उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है मुझे। वो सुबह मेरी 5:30 की बस होती थी, मैं 5 बजे उठता था, लेकिन वो 4 बजे उठती थी, वो खुद नहाती थी, फिर मेरा नाश्ता तैयार करती थी, मुझे उठाती थी, फिर मैं नहा धो के आता था, मेरे को नाश्ता खिलाती थी, मेरा बैग पैक करती थी और मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने जाती थी। तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेहनत मेरी माँ ने की, मतलब मेरे से ज़्यादा दुआएं उन्होंने मांगी भगवान से कि भाई इनको खिलाड़ी बना देना, प्यार उन्होंने दिया मुझे। बस में जाता था प्रैक्टिस करने, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो फिरोजशाह कोटला स्टेट लेवल के लिए हो। तो वो जर्नी जब मैं याद करता हूँ तो आज मुझे खुशी मिलती है कि वो जो मेहनत मैंने की 10वीं 11वीं 12वीं में या कॉलेज में, वो रंग लाई। अगर वो मेहनत मैं नहीं करता, अगर मैं जी चुरा लेता, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें शॉर्टकट नहीं है, आपको 7-8 साल 10 साल कहीं को 15 साल लग जाते हैं। शिखर धवन है तो 25 साल की उम्र के बाद उनको मौका मिला खेलने का। तो बेसिकली जो लोग सोचते हैं कि यार ये प्लेयर आया डायरेक्ट आके खेल रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन अपनी मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत सच्चे दिल से। अच्छा पाजी, आपके लिए एक बात और कही जाती है या हमें सुनने को मिलती है कि आप अक्सर अपनी जेब में एक लाल कपड़ा रखते थे। मेरी माँ ही कहती थी कि बेटा ये लाल कपड़ा अपनी पॉकेट में रख ले, इससे ना नजर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं था कि वो सुपरस्टिशियस था कि मैं लाल कपड़ा रखूं और मैं रनी बना दूं। मींस आप वो बचपन से ही रखते आ रहे हैं। अब माँ ने जो कह दिया फिर वो मानना पड़ जाता था, कि उनकी उनके कहने की इज्जत करनी पड़ती थी, रख के जाता था। बट ऐसा नहीं है कि मैं जब रख के गया हूँ तब मैंने रंग 0 भी बनाए, 1 भी बनाया, 2 भी बनाए, 100 भी बनाए। अभी अपने को एक किस्सा याद है कुंबले सर का, वो आई थिंक 94 पे कर रहे थे और एक बॉलर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचता है, आप वहाँ पे गए ग्राउंड में, आपने कहा क्या कर रहे हो आप मारो, आउट हो गए। तो अभी जब आर्यावीर खेल रहे तो क्या आप उनको इसी तरह की चीज़ें कि यार बिंदास खेलो ये सब चीज़ें? जब मैं उनको प्रैक्टिस कराता हूँ तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आपको मारना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक बचपन में अगर उन्होंने मारना सीख लिया ना तो रोकना और छोड़ना तो बना सकते हैं, मारना बड़ा मुश्किल है। जैसे पुजारा आज टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन वन डे और T20 में उतना बेहतर नहीं कर पाए। अपने बच्चों को मैं वही सिखा रहा हूँ कि मारो, देख लेंगे जो होगा। सो पाजी एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज जो ये मौजूदा टीम इंडिया है, नेक्स्ट सुपरस्टार कौन है? क्योंकि अभी आई थिंक अपना कोहली जो है कुछ टाइम बाद ये भी चले जाएंगे, रोहित शर्मा आने वाले, आप अगले 10-15 साल में सुपरस्टार किसे देखते हैं? आई थिंक 2-3 खिलाड़ी, बैट्समैन खासकर मैं कहूँगा, बॉलरों में एक उमरान मलिक है वो बन सकते हैं, बैटिंग में ऋषभ पंत हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, एक पृथ्वी शॉ। तो ये 4 खिलाड़ियों में 2 जरूर आने वाले टाइम में सुपरस्टार बनेंगे, जो एंटरटेनमेंट भी देंगे, खूब सारे रन भी बनाएंगे, खूब सारी एंडोर्समेंट भी करेंगे। सोपा जी बेसिकली क्या है, हमारे सब्सक्राइबर्स जो है रेडियो पे भी खेल रहे हैं, नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने साइन अप नहीं किया साइन अप करना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 1600 रुपये का बोनस मिलेगा। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ये IPL आ रहे हैं, वो रेडियो पे कार्ड परचेज करेंगे, तो आप उनको कुछ ऐसे 5 खिलाड़ियों के नाम बताएं जो आपको लगते हैं इस IPL में परफॉर्मेंस करेंगे, वो परफॉर्मेंस करेंगे तो रेडियो पे हमारे सब्सक्राइबर पैसा बनाएंगे। ये सबसे मुश्किल सवाल है प्रेडिक्ट करना कि कौन रन बनाएगा और कौन विकेट लेगा। नहीं नहीं, फिर भी मतलब एक अंदाज़ मैं वो इसी पे आ रहा हूँ कि मुश्किल काम होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं जो सदाबहार होते हैं, जैसे KL राहुल एक हैं, डेविड वार्नर एक हैं, अर्शदीप एक हैं, ये खिलाड़ी जो सदाबहार है, जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते हैं हर साल। तो आई थिंक इन 5-6 खिलाड़ियों को आप पिक कर सकते हैं, उनके कार्ड खरीद सकते हैं, क्योंकि वो आपको बोनस के साथ पॉइंट्स देके जाएंगे। अभी आपने डेविड वार्नर का नाम लिया तो पाजी मैं जानना चाहूंगा, ये बात 2009-10 या 2008 के आसपास की है जब वार्नर दिल्ली की टीम में थे और उस समय इतने बड़े बड़े सुपर स्टार आप हो गए, गंभीर पाजी है तो और भी बहुत सारे बड़े सुपर स्टार्स थे, तो उस टाइम पे आपने वार्नर में ऐसा क्या देखा कि आपने उस टाइम तो प्रेडिक्शन कर दिया यार ये बंदा जाके ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में बड़ा अच्छा करेगा, तो आप कह रहे हो प्रेडिक्शन अच्छा नहीं, आपने उस टाइम पे प्रेडिक्ट किया? और इवन सबसे बड़ी बात कि डेविड वार्नर खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं टेस्ट का प्लेयर बन सकता हूं। उनका जो टैलेंट था वो एक ही दिखा था कि बहुत अच्छे स्ट्राइकर थे, मतलब बहुत अच्छा बॉल को मारते थे, उस समय उनका स्ट्राइक रेट 150-200 के बीच में होता था। तो मैं उन्हें ये कहता था कि देखो T20 के मैच में सिर्फ 6 ओवर का पावर प्ले होता है, जब आप टेस्ट मैच खेलने जाते हो तो पूरे दिन का पावर प्ले होता है, क्योंकि बहुत कम कप्तान ऐसे होते हैं जो पीछे फील्डर लगा देते हैं।
मतलब मेरे भी 60-70 टेस्ट मैच लगे लोगों को समझने में कि मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप की डीप पॉइंट लगा देते थे, लेकिन फिर भी चौके छक्के तो लगते थे। तो मैंने कहा कि अगर आप टेस्ट मैच खेलोगे तो पूरे दिन का पावर प्ले है, तो आपको आप बेहतर टेस्ट क्रिकेटर बनोगे बजाय की T20। और आज वो है भी। तो पाजी मैं ये जानना चाह रहा था, आप रैरियो के साथ एसोसिएट हुए, आपको कैसा लग रहा है? एक तो बड़े प्राउड मोमेंट की बात है कि रैरियो ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मैं उनके साथ एसोसिएट हुआ। दूसरा, रैरियो एक स्किल गेम है कि आपको प्लेयरों के नज़दीक लाती है, आपको क्रिकेट के नज़दीक लाती है, तो ये एक बहुत अच्छा है कि आपको मौका मिलता है कि आपके अपने फेवरेट खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिलेगा अगर यहाँ पर आप अच्छा स्किल दिखाते हो तो। कौन जाने कल हो सकता है कि आप मेरी जगह बैठे हो, सहवाग सर से आप बातें कर रहे हो, तो जरूर अगर आपने साइन अप नहीं किया साइन अप जरूर कर लेना, आप लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पाजी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल आज की जो ये मौजूदा टीम इंडिया है, इनको पाकिस्तान का टूर करने का मौका मिल जाए, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो वहां पे जाके मुल्तान का सुल्तान बन सकता है? बहुत सारे खिलाड़ी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ऋषभ पंत, केएल राहुल, खिलाड़ी तो बहुत हैं, आपके टाइम पे भी खिलाड़ी एक से एक थे। मैं कह रहा हूँ उनमें क्षमता है, उम्मीद करूँ जल्दी कोई ऐसा आए जो 319 के आगे जाए, 320 रन बनाए। हमारे सब्सक्राइबर्स का एक सवाल मीना जी का कि जो मौजूदा टीम इंडिया है, इस टीम इंडिया में ऐसा कौन सा वो कप्तान होगा जो वापस से वर्ल्ड कप दिलाएगा, जैसे पीछे MS ने दिलाए, उससे पहले अपने कपिल पाजी ने दिलाए? आई थिंक रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, मुझे ऐसा लगता है वो जिता सकते हैं इंडिया को। सो पाजी आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए, वो भी डाउनलोड करें रेडियो को, आपसे मिलने का चांस मिले उनको भी। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी रेडियो को डाउनलोड करें, जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपको 1600 रुपए मिलेंगे, और उसके बाद आप अपनी स्किल्स दिखाएं, खेलना शुरू करें, तो आपको भी मौका मिल सकता है मुझसे मिलने का या आपके फेवरेट प्लेयर से मिलने का। कर दे प्लेयर से मिलने का।